मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा दीवा सेल डाय घर इन परिसरों में बिजली निजीकरण टोरेंट के खिलाफ कल 20 फरवरी को मंत्रालय में जाकर ऊर्जा मंत्री बावन कुले से दशरथ पाटिल, गोविंद भगत, हीरा पाटिल और अन्य कई लोगों ने मुलाकात कर टोरेंट के खिलाफ विरोध जताया और टोरेंट हटाने की मांग की। साथ ही ऊर्जा मंत्री बावन कुले से टोरेंट से जूझ रहे भिवंडी के बारे में भी बात की और निवेदन पत्र भी दिया। वहीं टोरेंट के विरोध में चर्चा भी होनी है। इसी चर्चे में सभी लोग अपना पक्ष रखेंगे। लोगों की मांग है कि भिवंडी के हालात को देखते हुए मुमरा दीवा सील कलवा में बिजली निजीकरण नहीं होनी चाहिए। और ऊर्जा मंत्री बावन कुले ने भी कहा है कि अगर टोरेंट के आने से लोगों को नुकसानी होगी तो हम टोरेंट को नहीं आने देंगे। इस संदर्भ में जो पहली चर्चा होनी है वो भिमंडी में होगी, जिसकी अभी समय सीमा तय नहीं की गई है। आपको बता दें कि लोग टोरेंट के खिलाफ क्यों है। मनमानी तरीके से टोरेंट काम करती है। आरोप लगते हैं कि टोरेंट के मीटर बेहद ही फास्ट चलते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भुगतान ज़्यादा करना पड़ता है। अगर बिल का भुगतान नहीं कर पाए तो हवालात की सैर भी करनी पड़ती है। इसीलिए लोग टोरेंट के विरोध में हैं और इसकी रद्दीकरण की मांग कर रहे हैं। अब तक बिजली निजीकरण रद्द करने के लिए आंदोलन भी हुए हैं। मीम उम्रीकर संस्था के लोग 3 दिन भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, तभी से रद्दीकरण की बातचीत जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में बिजली निजीकरण रद्द होता है या नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।